आपके पास कोई प्रूफ है क्या? किसने मारा? आप जो कह रहे हैं उसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? जवाब दीजिए आप। आपको मुंह में जो आएगा वो बोलेंगे अकील खान। पाकिस्तान ने मारा भुखमरी, पाकिस्तान ने मारा भुखमरी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के सैनिकों के साथ दिवाली मनाए तो पाकिस्तान के प्यादों का तो निश्चित तौर पर जो है विविध अंगों में आग लग गई होगी। एक सेकंड रुकिए गुजरात आपके, एक सेकंड रुकिए। अगर दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच जाते हैं तो तफरी करने जाते हैं? जवानों के बीच में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहाड़ों पे देश को सेक्युलर कंट्री है कि नहीं है ये आप शो कर रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा हिंदू, और वो भी आपको अगर जाना एक हिंदू है ठीक है तो आप अपने पर्सनल मनी से जाइए, अपने पर्सनल प्राइवेट मनी से जाइएगा आप सब जगह, कौन मना करता है आपको? नोबडी विल। लेकिन आप एक राष्ट्र की संपत्ति, आप एक प्रधानमंत्री है, 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, पहले एक सेकंड पड़ेगा हमें अकील खान, एक मिनट तय तो कर लीजिए पहले। आपने दो बातें कर दी, आपने कहा कि भाई आप जाकर पहाड़ पर तफरी करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि ठीक है आपको जाना है तो जाइए। मैंने सवाल आपसे पूछा कि क्या दिवाली पर अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री नहीं, आपके प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जवानों के बीच जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, तो वो तफरी करते हैं क्या? पुलवामा के शहीदों का आज तक पता चला किसने उसको किल किया? आप ये इलेक्शन के पुलवामा लिए, पे आ गए, इलेक्शन के लिए मरवाया गया उन्हें। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आपके पास, आप हमारे जवानों का अपमान कर रहे हैं अकील साहब? नहीं, एक सेकंड, आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? मुझे नहीं नहीं नहीं, आप या तो नहीं, अकील खान साहब एक सेकंड रुकिए, अकील खान साहब एक सेकंड सर, प्लीज, आप किसी के लिए कुछ भी बोलिए, अकील खान साहब आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ बोलिए, अकील खान 60 लाख, प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी आप, और मैं ना अकील खान साहब पहले जवाब दीजिए, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आप हमारे जवानों का अपमान करेंगे? उनका नहीं, और गुजरात उन जवानों का आप अपमान कर रहे हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं इस वक्त, जिनकी वजह से आप यहाँ पर बैठकर बोल रहे हैं? आप बताइए पहले, आप जो है जो आप नीति बताते हैं कि प्रेम शुक्ला जी शराब की नीति, आप क्या प्रधानमंत्री पहाड़ों पर जाते हैं दिवाली में तफरी करने के लिए? शांत कराएं तो मतलब मर्डर ही कहूंगा मैं उसको, और आप कुछ नहीं बोलते, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेम शुक्ला जी, आपने एज ए प्रधानमंत्री देश को दिया, जरा ये बताइए इनको, जरा शांत कराएं, लगातार चीख रहे हैं, पूरा हमारे देश के दम दूसरी पार्टी का कोई नेता आप शब्द कहता है तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना अकील खान आपको? उन्हें एक अपनी अकील खान, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल कोई पार्टी का नेता गाली देता है तो बुरा नहीं लगना चाहिए? तेरा बाप, रिस्पेक्ट मेंटेन करे, कोई गाली ना दे उनको, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के सैनिकों के साथ दिवाली मनाए तो पाकिस्तान के प्यादों का तो निश्चित तौर पर जो है विविध अंगों में आग लग गई होगी। तो आग लगी हुई है, पुलवामा में किस तरह से गर्त में गिरे हुए लोगों से बात करनी पड़ती है, एक गर्त में गिरा हुआ है, बीच में चिल्ला मत चिरकोट, चुप, बकवास करता है, चुप, इधर देशद्रोही, नमक हराम, चुप, शहीदों को आप बकवास करता है, मैं तेरे पीछे बोल रहा था, चिरकोट, चुप, पाकिस्तानी के लिए जाने वाले लोगों को आप पाकिस्तानी, पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले चिरकुट, चुप, और आप इस बुरी तरह से विद्यानाथ जी को चुप कराओ, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चिरकुट को चुप कराओ, जरा बताइए जरा आप इस चिरकुट को चुप कराओ, देशद्रोही पाकिस्तान के दलाल, अकील खान एक सेकंड पाकिस्तान के दलाल को किसने मारा? आप जो कह रहे हैं उसका कोई प्रूफ है क्या आपके पास? जवाब दीजिए आप। आपको मुंह में जो आएगा वो बोलेंगे अकील खान। पाकिस्तान ने मारा भुखमरी, पाकिस्तान ने मारा भुखमरी। अकील खान का ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, फेडर डाउन कर दीजिए, प्रेम शुक्ला अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे अकील खान, आप क्या अनाप शनाप है? आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है? हमारे सैनिकों का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? हमारे सैनिकों का अपमान क्यों कर रहे हैं आप? इनको शांत कराइए, कहां से इनको पकड़ के लाए, किस भटियार खाने से? देखिए किसी भटियार खाने से आए हुए लोग बहस में बैठ जाते हैं, और आदरणीय प्रधान पुलवामा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा, ये किसी भटियार खाने का
बहुत ही चिरकुट व्यक्ति ही इस तरह की निकृष्ट कोटि की बात कर सकता है। जिस निकृष्ट कोटि की बात ये अकील खान कर रहा है, ये पाकिस्तान के चंदे पर पलने वाला कोई जीव ही कृमिकाय इस तरह की वार्ता कर सकता है? क्या बात कर रही है कि पुलवामा आदरणीय प्रधान पाकिस्तान ने नहीं करवाया? एनआईए की चार्जशीट पढ़ी है तूने? तूने देखा एनआईए का केस? वो कुछ भी आकर टेलीविजन में मौका दिया तो बकवास करने लगा। कहाँ है?